भगवान श्री राम की माता कौशल्या देवी ने अपनी बेटी शांता को अपनी बड़ी बहन वर्षिणी को दे दिया था। कौशल्या देवी की बहन वर्षिणी अंग देश के राजा रोमपाद की पत्नी थी। विवाह के कई हजार वर्ष बाद भी वर्षिणी को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। तब अपनी उदास बहन वर्षिणी का दिल रखने के लिए देवी कौशल्या ने ये कह दिया था कि अगर तुम्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपनी पहली संतान तुम्हें दे दूंगी। देवी कौशल्या ने कुछ वर्षों बाद अपनी बेटी शांता को जन्म दिया, परंतु उनकी बहन वर्षिणी तब भी मां नहीं बन पाई थी। तब कुछ वर्ष बाद ही वर्षिणी कौशल्या के पास आई और उसे उनका दिया हुआ वचन याद दिलाया। देवी कौशल्या रघुकुल वंश की रानी थी, इसलिए उन्होंने रघुकुल रीति का मान रखते हुए अपनी पुत्री शांता को अपनी बहन वर्षिणी को दे दिया था। शांता को पाकर राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी बहुत ही खुश हो गए थे। राजा रोमपाद तो अपना राजपाट छोड़कर हमेशा उस बच्ची शांता के साथ खेलते रहते थे। इसी तरह जब शांता 10-12 साल की हो चुकी थी, तब भी एक दिन राजा रोमपाद अपनी पुत्री शांता के साथ खेलने में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण अपनी खेती के लिए उनसे मदद मांगने के लिए आता है, परंतु अपनी पुत्री के साथ व्यस्त होने के कारण राजा रोमपाद उस ब्राह्मण की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और वह ब्राह्मण उनके द्वार से निराश होकर चला जाता है। द्वार पर आए एक ब्राह्मण की याचना ना सुनने के कारण अंग देश के सभी ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ था, इसलिए सभी ब्राह्मण अंग देश छोड़कर चले जाते हैं। अंग देश के ब्राह्मण देवराज इंद्र के परम भक्त थे। अपने भक्तों का दुख देवराज इंद्र से सहा नहीं गया और उन्होंने क्रोध में आकर अंग देश पर वर्षा करनी ही बंद कर दी। कई वर्षों तक अंग देश में वर्षा ना होने के कारण उस देश के लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा रोमपाद ने वर्षा कराने के लिए कई उपाय किए, परंतु उनका कोई भी उपाय कारगर नहीं हो पाया। तब राजा रोमपाद बड़े बड़े मुनियों और ऋषियों के शरण में गए तो उन्होंने बताया कि विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पवित्र चरण अगर तुम्हारे राज्य में पड़ जाएं, तो तुम्हारा राज्य इस आपदा से मुक्त हो जाएगा। और साथ ही ये भी बताया कि श्रृंगी ऋषि को लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि एक घनघोर वन में तपस्या करते हैं और उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा है। और साथ ही उनके पिता विभांडक ऋषि, जो बहुत ही क्रोधी हैं, वह अपने बेटे को ले जाने के कारण तुम्हें कोई भी श्राप दे सकते हैं। राजा रोमपाद के सामने श्रृंगी ऋषि को अंग देश लाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को अंग देश में लाने के लिए अपने राज्य की खूबसूरत नर्तकियों का साथ लिया। नर्तकियां उस घनघोर वन में गई, विभांडक ऋषि से बचकर श्रृंगी ऋषि को अपनी कामुक मुद्राओं से लुभाना शुरू किया। तो श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने पहली बार अपने जीवन में स्त्रियों को देखा था, वो उन नर्तकियों पर मोहित हो गए और उनके साथ अंग देश चले आए। बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि के पवित्र कदम अंग देश में पड़ते ही वर्षा होने लगी थी। राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि को धोखे से इस तरह अपने राज्य में बुला तो लिया था, परंतु वो श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक से घबरा रहे थे कि उन्हें जब यह पता चलेगा तो वो श्राप देकर उनका और उनके राज्य का विनाश न करते। इस भय से बचने के लिए राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि को सम्मान पूर्वक अपने महल में बुलाया और उनका विवाह अपनी पुत्री शांता के साथ कर दिया और श्रृंगी ऋषि को ही अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इस कारण श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक ऋषि
जब अपने तपोबल से पुत्र को ढूंढते हुए राजा रोमपाद के महल में पहुंचे तो अपने पुत्र श्रृंगी को वहां का राजा देखकर और अपनी बहू शांता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे।